नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज के बारे में, जो वो देखा है तो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। देखिए, बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूजन में है स्टॉक ब्रोकिंग क्या होते हैं। देखिए, मान के चलिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, तो उसके लिए कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत होता है। ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, आप ट्रेडिंग अकाउंट आपके ओपन कर चुके हैं तो ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप होल्ड करके काम करना चाहते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, साथ ही साथ आप देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगा। तो इंडिया में बहुत सारे डीमैट अकाउंट कंपनीज हैं, अराउंड 450 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं। तो उस कंपनी में, इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, जो एक पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी है। क्योंकि नंबर वन कंपनीज के बारे में बात करूं तो वो है, आप देख सकते हैं, जीरोधा। सेकेंड पोजीशन में जो कंपनी है उसका नाम है आप स्टॉक, और थर्ड जो पोजीशन में है उसका नाम है एंजल वन, जो पहले एंजल ब्रोकिंग नाम से जाना जाता था। तो इस एंजल वन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, आप स्टॉक भी नहीं है और जीरोधा भी नहीं है। तो इस एंजल वन के बारे में आज डिस्कशन करूंगा, क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट सबमिट किया है, और क्वार्टर फोर का रिजल्ट सबमिट किया है। जो रिजल्ट कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया, साथ ही साथ जितने सारे इन्वेस्टर हैं उसके लिए गुड न्यूज़ भी है। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कोई भी ट्रेडिंग बनता है तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बीएससी के वेबसाइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रखा हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एंजल वन की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले मैं गुड न्यूज आपको दे दूँ कि कंपनी ने ₹4 करके डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, और ₹4 करके डिविडेंड आपको कम मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा जो एनुअल जनरल मीटिंग है उस मीटिंग से 30 डेज के अंदर अंदर। तो 30 डेज के बाद यहाँ पे आपको इस डिविडेंड मिल जाएगा। तो डेट मेंशन नहीं किया गया है, जब मेंशन होगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऑब्वियसली आपको मैं वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो ये बात याद रखना, ₹4 करके डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है। रही बात रिजल्ट का, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बता, मतलब बोल चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ द आन, यहाँ पे देख सकते हैं ऑडिटेड कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टरली फोर का, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे सामने आया है, और ये जो फिगर है वो मिलियन में है। देखिए, मिलियन में हो, करोड़ों में हो, लाखों में हो, आपको सिर्फ फिगर देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो सबसे पहले कंपनी के इनकम, अगर मैं थोड़ा सा और भी आपको जूम करता हूँ, हाँ अभी ठीक है। देखिए, टोटल जो इनकम है, इस इनकम के बारे में बात करूं तो इनकम कहाँ से आया, इंटरेस्ट से इनकम आया, साथ ही साथ फीज एंड कमीशन से इनकम आया। जो सबसे ज्यादा इसका इनकम है, फीज एंड कमीशन का मतलब क्या है, मान के चलिए कोई भी सर्विसेज दिया स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ने, जो कस्टमर को सर्विसेज देते हैं उसके लिए फीस देना पड़ता है। मान के चलिए किसी भी पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहा है उसके लिए फीस देना पड़ता है। और कमीशन क्या है, मान के चलिए कोई भी आप ट्रेड किए हैं उस ट्रेड के लिए आपको ब्रोकिंग चार्जेस लगते हैं, तो वो ही इस कंपनी के लिए कमीशन है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम क्या होते हैं, कंपनी बहुत लोन भी देते हैं। लोन मतलब आपको बैंकिंग की तरह लोन नहीं मिल देखने को मिलेगा। मान के चलिए आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड के लिए आप देखेंगे आपको लेवरेज दिया जाता है। मान के चलिए आप इंटरडे इक्विटी में काम कर रहे हैं तो पहले तो आपको 30 गुना तक लेवरेज दिया जाता था। 30 गुना मतलब आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 30 लाख रुपया का माल उठा सकते थे। तो आज वो लीवरेज कम हो चुके हैं, 5% के आसपास है। मतलब आप 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, जो कंपनी जो जिस तरीके से देते हैं, तो उस तरीके से लीवरेज देने के कारण कंपनी इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो सारे इनकम एक साथ जोड़ू तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, अराउंड 8,300, पिछले बार था 7,596, पिछले साल में था 6,800। तो ओवरऑल बात करूँ, ईयर ऑफ ईयर को भी कंपनी ने बीट किया, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को भी कंपनी ने अच्छी तरीके से बीट किया। तो कंपनी ने अच्छा खासा इनकम तो दिखाया,
अभी देखना बाकी है कंपनी के एक्सपेंस क्या पड़ रहा है। देखिए एक्सपेंस में क्या क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, फेड एंड कमीशंस है, यहाँ पे देख सकते इंफॉर्मेशन सॉरी इम्प्रूवमेंट एंड फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है उसके खर्चा है, एम्प्लॉय का खर्चा है, साथ ही साथ डिप्रिसिएशन खर्चा है और अदर्स एक्सपेंस है। सब कुछ जोड़कर टोटल जो एक्सपेंस कंपनी ने किया, आधा एक्सपेंस किया कंपनी, जितना इनकम दिखाया उससे आधा कंपनी के एक्सपेंस है। तो यही कंपनी के सबसे बड़ा खासियत है, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो रही बात 4,694 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार कितना था 4,577 करोड़ के आसपास, पिछले साल में था 4,091 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, उसके बाद कंपनी को टैक्सेस भी देना पड़ा, टोटल टैक्सेस भी कंपनी को पे करना पड़ा, तो टैक्सेस इस बार ज़्यादा देना पड़ा। उसके बाद कंपनी का टोटल हाथ में आया प्रॉफिट, आप देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इस डेटा को आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करोड़ों में आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट हुआ इस बार 266 करोड़ के आसपास, पिछले बार कितना था, पिछले बार जो प्रॉफिट था वो अराउंड 227 करोड़ के आसपास, पिछले साल में जो प्रॉफिट था 204 करोड़ के आसपास। तो 266 करोड़, 227 करोड़ और यह इस बार कंपनी का 204 करोड़, तो 204 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी क्वार्टर को भी बीट किया और देखा जाए तो ईयर ऑफ ईयर को भी बीट किया। इस दोनों कारण के वजह से आज स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो कंपनी का पार शेयर में, मतलब एक शेयर में कंपनी कितना अर्निंग कर रहा है, देखिए पार शेयर में कंपनी का जो अर्निंग है वो 32 रुपीज पहुंच चुके हैं, जो पिछले वर्ष 27.36 रुपीज था, पिछले साल में 24.72 रुपीज था। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट। अभी कंपनी का और एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूँ तो कंपनी के एसेट, देखिए एक एसेट में कैश और कैश इक्विपमेंट, तो ये कैश और कैश इक्विपमेंट क्या है, मतलब कंपनी कितना पैसा जमा करके रखे हैं वो कंपनी के एसेट है। देखिए आपने भी बैंक के कोई भी सेविंग अकाउंट में, कोई भी करेंट, कोई भी एफडी में जमा करके रखे पैसे, तो वो आपके लिए एसेट है। कभी भी आपको पैसे का जरूरत पड़े तो वो एफडी ब्रेक करके सेविंग से पैसा उठाकर आप चला सकते हैं। इसलिए कैश ऑन कैश इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंस है। जो कंपनी का पिछले सालों की तुलना से इस बार कैश इक्विपमेंट बहुत कम है, तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट है। बैंक बैलेंस कंपनी का जो देखा है तो 53,000 है, जो पिछले बार कितना था 44,000 है, 44,000 था। तो एक अच्छा खासा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा खासा डेटा देखने को मिला। साथ ही साथ ट्रेड रिसीवेबल और साथ ही साथ लोन, कंपनी का लोन जो है वो इस बार कम हुआ है, ये एक अच्छी बात है। तो कंपनी का जो लाइबिलिटीज है, उस लाइबिलिटीज में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको देखने को मिलेगा डेट सिक्योरिटीज। तो डेट सिक्योरिटीज इस बार कंपनी का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये भी कंपनी के लिए खर्चा है। वॉरिंग कर्जा 7,500 करोड़ के आसपास है, पिछले बार 12,300 था। इसका मतलब कर्जे को कंपनी अच्छा खासा कंट्रोल में लेके आया। तो एक अच्छी खासा यहाँ पे डिटेल्स डेटा देखने को मिला। जो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो नेगेटिव पॉइंट लगा वो है कंपनी का प्रोविजन। आप कहेंगे सर प्रोविजन क्या है, मान के चलिए बैंक ने लोन दिया तो क्या होते हैं, बहुत सारे लोग लोन तो मतलब इंटरेस्ट के साथ वापस करते हैं, बहुत सारे लोग लोन को इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं कर पाते हैं, तो उसको डिफॉल्ट किया जाता है, उसको बैड डेट किया जाता है, तो वो ही होता है प्रोविजन। तो कितना पैसा प्रोविजन के हिसाब से गया, तो आप कहेंगे सर ये तो बैंक नहीं है तो फिर भी इसका प्रोविजन क्यों, क्योंकि देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये कंपनी जितने सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं उसको लोन देते हैं। मान के चलिए आपने लोन ले लिया, लोन लेकर आपने ट्रेड किया और आपने वो ट्रेडिंग में आप पूरा का पूरा पैसा गंवा दिया, तो कंपनी के पास जो लोन लिया वो पैसा आप वापस नहीं कर रहा है, क्योंकि आप दूसरे बार इस कंपनी के ऊपर काम करेंगे तभी ना वो पैसा आपके अकाउंट से कट होंगे, तो आपके अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं है, तो वो कंपनी के लिए डिफॉल्ट हो गया लोन, तो वो ही डिफॉल्ट लोन कंपनी का प्रोविजन हो गया। तो इस बार कंपनी का प्रोविजन बढ़ चुके हैं, ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। 163 हो चुके हैं, जो पिछले बार 121 था। इसका मतलब 16 करोड़ 3 लाख के आसपास, पिछले बार 12 करोड़ 10 लाख के आसपास था। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को भी देखना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ, तो मैं जरूर कहूंगा
एंजल वन कंपनी के ऊपर फोकस रखना। इस कंपनी में स्ट्रेंथ है, फ्यूचर में और भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि जितने सारे लोग अभी ट्रेडिंग नहीं शुरू किया है बाद में और भी शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है, बड़े बड़े एनालिसिस्ट यही बात कर रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी का भी ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ होगा। तो मतलब इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा तो कंपनी का भी ग्रोथ होगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना, और मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। जितने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।